हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेकल्स डाइवर्टिक्यूलम के बारे में। ठीक है, देखिए मेकल्स डाइवर्टिक्यूलम को हम तीन पॉइंट में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेकल्स डाइवर्टिक्यूलम, उसके बाद हम उसकी पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, और लास्ट में हम देखेंगे कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं मेकल्स डाइवर्टिक्यूलम है क्या। ठीक है, अब देखिए मेकल्स डाइवर्टिक्यूलम को उसकी मॉर्फोलॉजी है, कॉम्प्लिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने से पहले हम समझ लेते हैं कि उसकी मतलब कि डेवलपमेंट किस तरह से होता है। ठीक है, मेकल्स डाइवर्टिक्यूलम का, तो देखिए मेकल्स डाइवर्टिक्यूलम क्या है, इट इज़ द प्रोक्सिमल पार्ट, ओके, प्रोक्सिमल परसिस्टेंट पार्ट ऑफ द विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। ठीक है, क्या है, परसिस्टेंट प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। अब देखिए ये तो समझ में आ गया मेकल्स डाइवर्टिकुलम क्या है, लेकिन विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट है वो नहीं पता है। तो देखिए समझ लेते हैं कि जो विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट है वो क्या होता है, कि जब हमारा अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होता है ना, ठीक है, फिटस में जब एम्ब्रियो होता है, तो जो अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होता है, तब एम्ब्रियो को जो हमारा क्या होता है, एम्ब्रियो है उसकी जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट होता है, न्यूट्रिशन सप्लाई कौन करता है उसे अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, योक से है वो न्यूट्रिशन सप्लाई करता है हमारे एम्ब्रियो को। ठीक है, अब देखिए एम्ब्रियो और योक सैक, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना, मतलब कि योक सैक में से न्यूट्रिशन एम्ब्रियो तक तो कौन पहुंचाता है, हमारा विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। यही काम है विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट का। अब जैसे जैसे टाइम जाता है, मतलब कि 6 to 7 वीक ऑफ जेस्टेशन जब आता है ना, 6 to 7 वीक ऑफ जेस्टेशन, तब क्या होता है कि जो हमारा एम्ब्रियो है वो मेनली न्यूट्रिशन कहाँ पे, कहाँ से लेना शुरू कर देता है, प्लेसेंटा से। तो अब क्या हुआ कि जो विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट है वो रिग्रेस हो जाती है, मीन्स के ओब्लिट्रेट हो जाती है। ठीक है, कब, 6 to 7 वीक ऑफ जेस्टेशन तक। लेकिन कुछ केस में क्या हो जाता है कि जो उसका जो विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट है उसका जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो परजिस्ट रह जाता है, और जिसे हम कहते हैं मेकल्स डाइवर्टिक्यूलम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मेकल्स डाइवर्टिक्यूलम की एम्ब्रियोलॉजी। अब समझ में आ गया क्या है मेकल्स डाइवर्टिक्यूलम, तो चलिए अब समझते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी मेकल्स डाइवर्टिक्यूलम। कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए आपको याद रखना है रूल ऑफ टू। क्या याद रखना है, रूल ऑफ टू। देखिए आप समझ ही जाएंगे, फर्स्ट वन इज द अकर्स इन अबाउट 2% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, जनरली प्रेजेंट विद इन द 2 फीट ऑफ द इलियोसिकल वॉल, मतलब कि अगर आप इलियोसिकल वाल से 2 फीट के अप्रोक्सिमल साइड ट्रेस करेंगे तो आपको मिल सकता है मेकल्स डाइवर्टिक्यूलम, अगर इसके फीचर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर ये इसकी लेंथ कितनी होती है, 2 इंचज लॉन्ग होता है। ठीक है, उसके बाद 2 टाइम्स कॉमन इन दी मेल देन फीमेल, एंड लास्ट वन इज द मोस्ट ऑफन सिम्टोमेटिक बाय एज ऑफ 2, मतलब कि इसके सिम्टम्स कब देखने को मिलते हैं, बाय एज ऑफ 2। तो ये हो गया हमारा 2 नंबर रूल, रूल ऑफ 2। ठीक है, अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द मेकल्स डाइवर्टिक्यूलम। ठीक है, तो देखिए मेकल्स डाइवर्टिक्यूलम इज द सिंगल एंड ऑलवेज लाइज ऑन द एंटी मिजेंट्रिक साइड ऑफ द बोवेल। ठीक है, सेकंड वन इज द ट्रू डाइवर्टिक्यूलम। देखिए अभी हमने देखा था मेकल्स डाइवर्टिक्यूलम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रू डाइवर्टिक्यूला है ऑफ द जीआईटी है। ठीक है, तो इसे हम कहिए ट्रू डाइवर्टिक्यूलम है। तो अब ट्रू डाइवर्टिक्यूलम क्यों कहते हैं, बिकॉज जो मेकल्स डाइवर्टिक्यूलम है उसकी जो वॉल है वो क्या क्या कंसिस्ट करती है, हमारी म्यूकोजा है, सब म्यूकोजा है, मस्कुलर स्प्रोपिया, और इसी इसकी ऑन ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, इसीलिए इसे हम कहते हैं ट्रू डाइवर्टिक्यूलम। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। एंड द थर्ड वन इज द लाइनिंग ऑफ द एपिथेलियम रिजेंबल्स दैट ऑफ द नॉर्मल इंटेस्टाइन, मतलब कि जो मेकल्स डाइवर्टिक्यूलम है इसकी एपिथेलियल लाइनिंग है वो किस किस तरह होती है, नॉर्मल स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह भी होती है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, एक्टोपिक पेनक्रियाटिक या फिर गैस्ट्रिक टिश्यू भी देखने को मिलती है। इसीलिए हम टू जिसकी कैरेक्टरिस्ट है कि रूल ऑफ टू, वहाँ से भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे 2 तरह की टिश्यू हो सकती है, पेनक्रियाटिक टिश्यू या फिर गैस्ट्रिक टिश्यू। ठीक है, और अगर गैस्ट्रिक टिश्यू प्रेजेंट हुई तो यहाँ पे क्या वजह हो सकता है कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है यहाँ, वहाँ पे पेप्टिक अल्सरेशन भी हो सकता है, और अगर पेप्टिक अल्सरेशन हुआ तो क्या हो सकता है, परफोरेशन और ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो दिस ये क्या हो गई, मॉर्फोलॉजी ऑफ दी मेकल्स डाइवर्टिक्यूलम। और हमारा लास्ट पॉइंट हो गया कॉम्प्लिकेशन।
फर्स्ट वन इज दी सीवियर हेमरेज। देखिए अभी हमने देखा था गैस्ट्रिक टिश्यू प्रेजेंट होगी और वहां पे पेप्टिक अल्सरेशन हुआ एडजेसेंट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड म्यूकोजा पे, तो वहां पे भी होगा ठीक है, और उसी की वजह वहां से क्या हो सकता है ब्लीडिंग एंड परफोरेशन, तो यहाँ पे सीवियर हेमरेज हो सकता है फर्स्ट। अगर दूसरा पॉइंट कि अगर मेकल्स डाइवर्टिकुलम है वहां पे कुछ इन्फ्लामेशन हुआ तो उसे हम कहते हैं मेकल्स डाइवर्टिकुलाइटिस, और इसके जो फीचर्स है ना यहाँ पे जो पेन होता है वो किसकी तरह से होता है, जो हमारा एक्यूट अपेंडिसाइटिस है उसके जैसा ही होता है ठीक है। तो कई बार क्या होता है मेकल्स डाइवर्टिकुलाइटिस होता है पेशेंट को, कई बार वो मिसडाइग्नोज हो जाता है ठीक है एक्यूट अपेंडिसाइटिस के साथ ठीक है। और थर्ड वन इज दी ये क्या कर सकता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी करवा सकता है। तो ये होगी हमारी कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मेकल्स डाइवर्टिकुलम। तो दिस इज दी ऑल अबाउट ऑफ दी मेकल्स डाइवर्टिकुलम। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आपको इस वीडियो की नोट्स चाहिए तो मैंने मेरी एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।